जी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी ब्रजेश जैन जुड़े हुए हैं। सीधे उनसे रुख करते हैं, उनकी तरफ जानते हैं कि क्या है अपडेट। मंदसौर का दौरा है ब्रजेश, क्या कुछ जानकारी है आपके पास मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल के बाद पिछले साल से प्रदेश में लगातार तमाम जिलों के, गांव के, कस्बों के जन्मदिन मनाए जा रहे हैं और आज मंदसौर का गौरव दिवस मनाया जा रहा है। इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होने वाले हैं। वे दोपहर के बाद मंदसौर पहुंचेंगे। बीजेपी के तमाम स्थानीय नेता, विधायक, मंत्री और सांसद जो है वे इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। बड़ी संख्या में शहरवासी कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। इसमें न सिर्फ गौरव दिवस कार्यक्रम मनाया जाएगा बल्कि मंदसौर के जो जरूरत है, खासतौर से गांधी सागर की विभिन्न अलग अलग जुड़ी हुई उससे सपोर्टिंग परियोजनाएं हैं, उनके लिए लगभग 1500 करोड़ की सौगात आज मुख्यमंत्री देने वाले हैं। इसके अलावा कई योजनाओं का शिलान्यास और जो भूमि पूजन है वे भी मुख्यमंत्री के हाथों होना है। तो आज मंदसौर वासियों को बड़ी सौगात मुख्यमंत्री के द्वारा मिलने वाली है। ब्रजेश, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, अगर मंदसौर की बात किया जाए तो आने वाले चुनाव को लेकर भी, क्योंकि सौगात तो दे रहे हैं, चुनावी माहौल कैसा है वहां? बिल्कुल, देखिए चुनावी माहौल जमाने के लिए ही लगातार ग्राउंड पर नजर आ रही है बीजेपी और बीजेपी के तमाम बड़े नेता, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार ग्राउंड पर पहुंच रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री निवास में जब मंत्रियों की बैठक बुलाई गई थी तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश मंत्रियों को भी दिए हैं कि वे हफ्ते में 2 दिन कम से कम अपने क्षेत्र में, अपने ग्राउंड में, जनता के बीच में बिताएं और हो सके तो नाइट हॉल्ट भी किसी गांव में करें। तो ये एक्टिविटी है लगातार, शिवराज सिंह चौहान तो एक्टिव हैं ही, अपनी पूरी की पूरी टीम को वे एक्टिव रखते हैं और यही उनकी सफलता का राज भी है। चुनाव करीब है, ऐसे में एक्टिविटीज और ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल, चुनाव नजदीक है, एक्टिविटी बहुत तेज हो गई है। ब्रजेश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे